हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। कल की बात की थी हमने एग्रोनॉमी की 2-2-1 की, तो उसमें से जो हमने 2 साल के पेपर सोल्व किए थे लगभग 50 से 80% मैटर उसी में से आया था। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे हॉर्टिकल्चर 2-2-1 2018-19 का पेपर सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहला है इसमें भू निर्माण परिभाषा लिखनी होती है। किसी भी क्षेत्र की रूपरेखा सुधारना, प्राय उनकी आकृति को बदलकर तरह तरह की वनस्पति लगाकर भू क्षेत्र की शक्ल सुधारना ही लैंडस्केपिंग या भू निर्माण कहा जाता है। इसके बाद में बनावट, बनावट की परिभाषा मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें मिले तो एक बार देख लेना टेक्सचर बनावट की परिभाषा। इसके बाद में है हम तीसरे पे जाएंगे परिदर्श विजिट। परिदर्श आमतौर पर आज व्यापक दृश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसे आप एक पर्वत की चोटी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल है गार्डन। पर्वत की चोटी से देखने पर आपको ये लगेगा कि सभी जगह हरा भरा सा रहेगा, वो विजिट दृश्य देखने के लिए रहता है। इसके बाद में चौथी है हेज। भूमि के एक टुकड़े को दूसरे से अलग करने के लिए एक बगीचे या खेत के किनारे पर एक साथ लगाए गए झाड़ियाँ या पेड़ों की एक पंक्ति हेज कहलाती है। हेज एक बीच में बॉर्डर का भी काम करती है। इसके बाद में पांचवा एक्सिस, वह रेखा जिसकी हम कल्पना करते हैं किसी वस्तु के बीच से होकर जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है, उसे एक्सिस कहते हैं। आपने गार्डन में देखा होगा कि बाहर निकलने के लिए एक एक्सिस लगाया होता है। इसके बाद में है एशियाटिक लिली और ओरिएंटल लिली में अंतर। एशियाटिक लिली का वैज्ञानिक नाम है लिलियम एशियाटिक और ओरिएंटल लिली का नाम है लिलियम ओरिएंटल। इसकी उत्पत्ति एशिया में और इसकी जापान में है। एशियाटिक लिली में कोई सुगंध नहीं या बहुत कम है। एशियाटिक लिली में कोई भी सुगंध नहीं पाई जाती है, तो थोड़ी बहुत है। ओरिएंटल लिली अत्यधिक सुगंधित फूल है। फूल जल्दी खिलने वाले होते हैं और शुरुआती बसंत में खिलते हैं। फूल ये गर्मियों और मध्य पतझड़ में अधिकांश लिली की तुलना में बाद में खिलते हैं, और जितनी भी लिलियाँ होती है उनकी अधिकांश लिलियों के बाद में इनमें फूल खिलते हैं। इसके बाद में बेसिलिकम तुलसी और सेक्टम तुलसी, इसे वन तुलसी और अंग्रेजी में स्वीट बेसिल कहते हैं, और सेक्टम तुलसी को इसे हिंदी में तुलसी और अंग्रेजी में होली बेसिल कहते हैं। मेरे को दो ही एक ही अंतर मिला है, अगर आप सभी को मिले तो प्लीज़ लिख लेना एक बार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, केलिक्स स्प्लिटिंग इसमें है। केलिक्स स्प्लिटिंग एक कारनेशन का दैहिक विकार है। जो कारनेशन है फूल, उसका एक दैहिक विकार है। इसको होली और बेकर ने 1963 में देखा था। इसको केलिक्स स्प्लिटिंग जो दैहिक विकार है, इसको होली और बेकर ने 1963 में देखा था। केलिक्स विभाजन जो कार्नेशन उत्पादन में एक प्रसिद्ध समस्या है। कम तापमान पर बड़ी संख्या में पंखुड़ियाँ या केलिक्स के अंदर पार्श्व कलियों के निर्माण का कारण होता है, जिससे कि फलियाँ पंखुड़ियाँ मुरझा जाती है। इसके बाद में गुलाब में बेंडिंग की क्रिया। बेंडिंग का मतलब होता है झुकना या झुकाना। बेंडिंग का मतलब होता है झुकना या झुकाना। शिक्षक दिवस की आप सभी को मुबारक। गुलाब के अंकुरों को मोड़ना एक विशेष सांस्कृतिक प्रथा है। गुलाब के अंकुरों को मोड़ना एक विशेष सांस्कृतिक प्रथा है। जब उनकी खेती ग्रीन हाउस समस्याओं के तहत की जाती है आमतौर पर रोपण के 60 से 90 दिनों के बाद मदर शूट को मोड़ दिया जाता है। 60 से 90 दिन बाद मदर शूट को मोड़ दिया जाता है, और बढ़ते बेसन शूट के लिए एक खाद्य कारखाने के रूप में कार्य करता है, और एक पौधे से अधिक ग्राउंड शूट को अंकुरित करने के लिए भी कार्य करता है। बाद में छठा, लैंडस्केप गार्डन के सिद्धांतों को संक्षिप्त में वर्णन करें। एक अच्छे डिजाइन को उपलब्ध स्थान से में परिदृश्य डिजाइन करना चाहिए। प्राकृतिक स्थलाकृति को बरकरार रखना चाहिए।
बाड़ लगाना ऐसा होना चाहिए जिससे ये प्राकृतिक रूप से व्यवहारिक लगे और यह किसी भी प्राकृतिक दृश्य में बाधा ना डाले। अगर सीमा के ठीक बाहर प्राकृतिक वन दृश्य या एक पहाड़ी है तो इसे बगीचे में डिजाइन में एक विचारदर्श तरीके से शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह बगीचे की एक हिस्सा प्रतीत हो, ऐसा नहीं लगे कि भाई ये जंगल है। इसके बाद में है तीसरा, राजस्थान की जलवायु हेतु इसबगोल की खेती पर विस्तार से वर्णन करें। इसमें दूसरा क्वेश्चन था मोगरे का और तीसरा है इसबगोल का, तो ये करना होता है। सामान्य नाम है इसबगोल, बोटनिकल नेम है प्लांटेगो ओवेटा, कुल प्लांटेजेनेसी, उत्पत्ति फ्रांस। इसबगोल एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय फसल है, भारत में मुख्य रूप से गुजरात एवं राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान के जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और जनपदों में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है इसबगोल को। इसकी जलवायु की बात करें, इसबगोल ठंडी एवं शुष्क धूप वाले मौसम की फसल है। ये उष्णकटिबंधीय देशों में भी सामान्य रूप से पाया जाता है। अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस और बढ़वार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसबगोल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जलवायु इसके उत्पादन हेतु उपयुक्त मानी गई है। भूमि की बात करें, भूमि हल्की रेतीली से रेतीली दोमट मृदा, पीएच जो है 7 से 8 होना चाहिए। इसके बाद में हम सातवें की बात करें तो करतंग गुलाब की संक्षिप्त खेती करें। इसमें करतंग गुलाब है वो है देसी ही गुलाब आएगा इसके अंदर, जो इसका साइंटिफिक बोटनिकल नेम है रोजा स्पीसीज, इसमें रोजा इंडिका का वर्णन करना है। उत्पत्ति की बात करें तो भारत है, राजस्थान में गुलाब की खेती पुष्कर, उदयपुर, अजमेर में की जाती है। रोजा इंडिका की खेती राजस्थान में पुष्कर में ही की जाती है, जो रोजा इंडिका है वो राजस्थान के पुष्कर जिले में नहीं, अजमेर जिले के पुष्कर में की जाती है। जलवायु समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है ये, कट फ्लोर पौधा है रोजा इंडिका, कट फ्लोवर पौधा है। डॉक्टर बीपी बवाल गुलाब के प्रजनन करता है। गुलाब का फल हिप्स कहलाता है, जो गुलाब का फल है वो हिप्स कहलाता है। प्रवर्धन की बात करें तो देसी गुलाब में कटिंग द्वारा और संकर गुलाब में टी बडिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। दूरी की बात करें तो 1x1 मीटर किस्में हैं इसमें, सुपर स्टार, फर्स्ट रोज, ब्लू मून, पैराडाइज, क्यून, एलिजाबेथ, पिंक सावर, तुषार, सुचित्रा। और जो कीट की बात करें तो रेड स्केल एवं वोइला, और रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में अलंकृत पौधों, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्या महत्व है। अलंकृत पौधों का महत्व है सजावट के लिए, यदि कुल फूल वाले रंग अन्य सजावटी पौधों को व्यक्तिगत बंगलों, भवनों, कोठियों और कालियों, विद्यालयों, कार्यालयों, विद्यालयों, पिकनिक स्थलों आदि पर उगाकर उन्हें सुंदर बनाया जाता है वो अलंकृत पौधे कहलाते हैं। इसके बाद में अलंकृत उद्यानों में वृद्धि होने से वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। औषधीय है प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ रोग निवारण व सामान्य स्वास्थ्य लाभ में अलंकृत उपयोगी हैं। एक ही पौधे के विभिन्न भागों के उपयोग से कई प्रकार के रोगों और समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। आंवला प्राकृतिक विटामिन सी से भरपूर है, वही अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली जैसी शक्तिवर्धक एवं स्फूर्तिदायक गुणों की खान है। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप में प्रभावशाली हैं, तो सदाबहार केसर कैंसर रोधी गुणों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सर्पगंधा कैंसर रोधियों के लिए। इसके बाद में सुगंधित पौधे आवश्यक तेल प्रदान करते हैं जो उद्योगों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए निकाला जाता है। उदाहरण के लिए इन सुगंधित पौधों के अक्र का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। इसी तरह मसालों, कीटनाशकों और विकर्षक बनने में बहुत उपयोगी है। थैंक यू सो मच, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।